क्लास नाइन्थ की संख्या पद्धति का एक्सरसाइज 1.2 के सही प्रश्न हल करते हैं। तो इसमें इसका पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय में संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इसका उत्तर होगा सत्य। अब प्रत्येक वास्तविक संख्या एक प्रत्येक सॉरी प्रत्येक अपरिमेय में संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, इसका कारण क्या है सत्य होने का। वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। अब प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि इसमें वास्तविक संख्याएं भी होती हैं। तो ये सत्य है, क्योंकि इसमें अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों होती है। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक वर्गमूल के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसका उत्तर होगा असत्य। अब इसका असत्य होने का कारण क्या है, अब हम वो बताते हैं। संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संभव नहीं है। वो संभव क्यों नहीं है, मान लीजिए ये हमारी संख्या रेखा है 0, ये राइट साइड चलेंगे तो प्लस में होता है 1, 2, 3, और लेफ्ट साइड चलते हैं तो क्या होता है, ये माइनस में होता है 1, 2, 3।
तो ये जो माइनस में होता है ये कभी भी वर्गमूल नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या होगा, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु यानी कि पॉइंट वर्गमूल में हो ऐसा संभव नहीं है। वो इस वजह से है क्योंकि जो माइनस वाला है वो वर्गमूल में होता ही नहीं है कभी भी। तो अब हमारा तीसरा है इसका पार्ट, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इसका उत्तर होगा असत्य। अब हम इसका कारण बताते आपको। इसका कारण है क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती है। अब वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, तो इसलिए ये सवाल है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ऐसा तो नहीं है, तो इसलिए ये कथन असत्य हुआ। आता है सवाल नंबर दो। ये सवाल है अपना, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसका क्या उत्तर होगा? नहीं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय अपरिमेय होते हैं? अब ऐसा तो नहीं है सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय हो, तो इसका क्या हो गया उत्तर? नहीं। कारण क्या लिखेंगे इसका? सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। अब आपको पता है पूर्णांक क्या होते हैं? एक, चार, इस तरीके से होते हैं पूर्णांक। तो अभी ने अंडर रूट में डाल दें तो जैसे एक का अंडर रूट क्या होता है? 1। वो कैसे होता है? अंडर रूट का क्या मतलब होता है? एक को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 × 1, तब भी क्या आएगा? 1। और इसका अंडर रूट लगा दें तब भी क्या उत्तर आएगा? 1। अब जैसे 4 है, वर्गमूल 4, तो इसे कैसे लिखेंगे हम? 2 × 2। अब वर्गमूल जब भी होता है तो उन्हें गुणनखंड में लिखने के बाद में उसका एक हिस्सा बाहर निकल जाता है और वर्गमूल का निशान हट जाता है, तो इसका क्या हो गया? 2। तो 1 और 2 ये दोनों जो है कभी वो सॉरी ये जो है धनात्मक पूर्णांक तो हैं और इन्हें वर्गमूल के रूप में भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये
वर्गमूल जो है अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है, ठीक है, पूर्णांक है, सॉरी। तो ये कथन जो है झूठा है, असत्य है। सवाल नंबर 3, यह दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ये सवाल हमें करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता होगी। ये पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, अंडर रूट 5, इसे जो है संख्या रेखा पर दिखाना है। पहले तो हम इसे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि ये आएगा किस तरीके से। अंडर रूट 5 कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, आधार मान लीजिए 2 रखें और लंब रखें 1, तो ये क्या होगा, दो दुना 4, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये क्या हो गया 5। अब इधर है कर्ण का स्क्वायर, अब स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल लगाते हैं। वर्गमूल तो इधर क्या आ गया 5। अब इधर कर्ण का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, तो इधर क्या बचेगा, केवल कर्ण बचेगा। इधर क्या बचा, अंडर रूट 5, जो कि हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। अब इसे दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, वैसे तो आपको ये प्रकार पेंसिल से बनाना पड़ेगा और स्केल से, लेकिन हम इसे ऐसे ही आपको बना करके दिखाते हैं और आप बना लेना। ये 1, 2, ये 1 इकाई हो गई और ये 2। अब हमें क्या है, आधार हमारा है 2, आधार 2, और इस 2 वाले बिंदु पर, पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे, जो कितनी होगी, लंब है हमारा 1 जो हमने लिया हुआ है, तो वो कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर, ठीक है, 1 इकाई होगी, मतलब क्योंकि ये 1 इकाई और ये 1 इकाई, तो ये हो गई 2 इकाई और ये हो गई 1 इकाई, और यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 5। ये भी 1 इकाई है क्योंकि लंब हमारा 1 है। तो इस बिंदु को मान लीजिए A और इस बिंदु को मान लीजिए B और इस बिंदु को मान लीजिए C,
तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रकार की नोक रखनी है, टिप रखनी है और यहाँ तक भर लेनी है, और इसे भर के जो है ऐसे करके चाप मार लेना है, जो कि कुछ इस तरीके से आएगा आपका चाप ऐसे। अब ये क्या हुआ, हमारा जो हमारा ये कर्ण है वो हमारा संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया। इस बिंदु को हम नाम देते हैं डी का। तो क्या हुआ, ए सी बराबर क्या हुआ, ए डी। जो कि क्या है, √5 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसे √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया। लेकिन आपको ये प्रकार और पेंसिल से करना है, और डी के माध्यम से इसे 90 डिग्री का कोण बना के उठा लेना है लाइन को, और इसे सब कुछ कर लेना। नंबर 4 रह जाता है, लेकिन वो अभी अभी क्या मतलब पेपर में आता भी नहीं है, और उसे लेकिन हम फिर भी समझने के लिए अगली वीडियो में करवा देंगे आपको, ठीक है। यानी कि आप सवाल नंबर 4 को अगली वीडियो में करेंगे।